आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति द्वारा घोषित एवं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के आह्वान पर पूरे देश में पुलवामा हमले में शहीद जवानों की दूसरी बरसी एवं 75 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में 250 से अधिक शहीद किसान भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कैंडल मार्च का आयोजन बेगूसराय जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से जिला मुख्यालय से सटे मटिहानी प्रखंड के बदलपुरा चौक से कैंडल मार्च शुरू किया गया और मटिहानी प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में शहीद स्मारक पर कैंडल रख कर भारत के उन वीर जवानों और वीर किसानों के प्रति 2 मिनट का मौन धारण करके कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय यादव एवं मटिहानी प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महासचिव दिलीप कुमार सिंह, युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष अंजय पासवान, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुन्नी देवी, छात्र प्रदेश सचिव राजेश कुमार, कार्यकारी छात्र जिला अध्यक्ष मानवेंद्र कुमार, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव प्रभात कुमार पिंटू, जिला महासचिव गौतम सिंह, जिला सचिव अनुभव राज, सुशील यादव, गिरिजा देवी, राजू कुमार, बुजुर्ग साथी गोकुल दादा सहित हजारों की संख्या में किसान मजदूर भाई बहन एवं कार्यकर्ता साथी शामिल हुए। आरपी भारत के लिए नवी आलम की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।